बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा 2023 में भागलपुर अंतर्गत बरारी आरएचएमटी लेन के विजयंत कुमार ने अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी में चयनित होकर इन्होंने जिले समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। विजयंत कुमार भागलपुर जिले के मूल निवासी हैं। उनके पिताजी का देहांत 2013 में ही हो चुका है। इस दौरान पढ़ाई में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार वाले इन्हें हौसला देते रहे और आखिरकार उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। पिता के मृत्यु के बाद विजयंत पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन माँ और भाई का सपोर्ट बेहतर रहा और उन्होंने मंजिल हासिल की। परिवार में सबसे उच्च पोस्ट की नौकरी विजयंत कुमार ने ही प्राप्त की है, जिससे परिवार वालों में काफी खुशी है। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसा तैयारी कैसा करते? तैयारी तो ही रात में बहुत तैयारी करता था, पढ़ाई रात में ही करता था। अब एक अफसर बन गए हैं, परिवार का, पूरे परिवार का, समाज का इतना खुशी है कि कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है? मेरा अनीता झा। कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ। पहला ऐसा लड़का निकला जो इस खानदान में जो कि सबसे हायर पोस्ट पे गया है और गजिस्टर्ड ऑफिसर जिसको बोला जाता है, लोग सोचता है कि क्लास वन ऑफिसर हम बने। पहला ये खुशखबरी देने वाला इस खानदान में लड़का हुआ। कितना बदमाश शरारती? कितना शरारती जो होना चाहिए बचपन में, वैसा कुछ विशेष शरारती नहीं था ही। नहीं, पढ़ाई में ठीक रहा है, सब दिन ठीक रहा है। हाँ, क्या कहेंगे छोटे भाई? अरे अब सफलता मिल गया है, बस आगे ईमानदारी से अपना जो है मेहनत से लगन से काम करते रहिए और ऊंचा बढ़िए। अंजनी कुमार। वहीं विजयंत ने बताया कि लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो बीपीएससी की तैयारी में जुट गए थे। देर रात तक पढ़ाई करते थे और इस दौरान परिवार का भी खूब सपोर्ट रहा। विजयंत बताते हैं कि किसी भी कार्य को पूरे मन से करने के बाद सफलता जरूर हाथ लगती है। कि जब लॉ कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे बताया गया, या जो हमारे सीनियर लोग थे वो बताए कि अभियोजन पदाधिकारी कर फिर एक पद होता है जिसमें कि बहुत ही अच्छा मौका मिलता है समाज से जुड़ने का और समाज के लिए कुछ करने का। तब से मैंने बीपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया, जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू किया और लगातार तैयारी करता रहा। आखिरकार सबों के आशीर्वाद से हमारा सपना साकार हुआ। कितना घंटा तैयारी करते थे? कोई मतलब फिक्स पैटर्न नहीं था, चूँकि दिन में काम वगैरह में या इधर उधर इंगेजमेंट होता था तो ज़्यादातर मैं रात को ही समय देता था। रात को डेली का 4-4.5 घंटा मेरा कंपलसरी था कि मैं पढ़ता था और कंटिन्यूस स्टडी करने से ही जो है मुझे ये मुकाम प्राप्त हुई है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त? प्रारंभिक शिक्षा मेरी हाई स्कूल बरारी से हुई। हाई स्कूल बरारी से मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद फिर TNB लॉ कॉलेज भागलपुर से मैंने LLB करा। उसके बाद परिवार का कितना साथ मिलता था? परिवार का पूरा साथ मिलता था, बहुत सारी असफलताएँ भी हाथ लगी। उस समय में परिवार ने बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही मोटिवेट किया कि कभी भी हार नहीं मानना है और हमेशा जो मेहनत करते हैं उसे सफलता मिलती है। युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी कर रहे हैं पूरे मन से करें और निश्चित है कि अगर पूरे मन से आप किसी काम को करते हैं तो किसी न किसी दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। परिचय बताएं। मेरा नाम विजयंत कुमार,